शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन आजकल पटना वाले खान सर अपने साथ खान जुड़ा होने की वजह से मुसीबत में पड़ गए हैं। उनके असली नाम को लेकर सोशल मीडिया पर कट्टरपंथियों और जिहादियों ने बवाल मचा रखा है। एक टीचर जो लाखों छात्रों को शिक्षा दे रहा है, उनके नाम को लेकर जिस तरह से विवाद खड़ा किया गया है वो शर्मनाक है। हिंदुस्तान ने पटना वाले खान सर से एक्सक्लूसिव बात की है, आप सुनिए और खुद सही गलत का फैसला कीजिए। मैं खान सर आपको सलाम करूं या नमस्ते करूं, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पे इसके इर्द गिर्द भी रही हैं। पहले इसका जवाब मुझे आप दे दीजिए। वो इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखते हैं की बात करता है, हमको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे जो लोग हमसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कुछ दिन पहले यही बोलते थे कि हम कागज नहीं दिखा। खान साहब मुझे देखिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ राष्ट्रवाद के जरिए राष्ट्रहित में आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि आप फैसल खान हैं या अमित सिंह हैं। सवाल जी, आप सवाल में आगे तो बढ़िए, आप मैं तभी तो बढ़ूंगा। अरे दोस्त, जब आप मुझे जवाब देंगे मैं तभी आगे बढ़ूंगा जी। और आप आगे पढ़ते जाइए, हम देते जाएंगे। और पहले इसका तो जवाब दे दीजिए, तभी तो आप इसको छोड़िए, इसको लास्ट के लिए तो रहने दीजिए ना। एकदम हिट पे बैठे हैं। देखिए चूंकि जो आपके फॉलोअर्स हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो या दूसरे तरीके जरिए हो, चूंकि देश और दुनिया इस वक्त आपको देख रही है, आप जी हिंदुस्तान पर हैं, मैं सिर्फ आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको टाइम दिया है। आपकी बात हम सर आंखों पे रखते हैं, लोग हमें जो कहते हैं, देखिए हमारे दो नाम फेमस हैं जो आप बता रहे हैं कि एक अमित सिंह एक फैजल खान। हाँ, तो देखिए अमित सिंह तो एकदम गलत है, ठीक है, समझदार के लिए इशारा काफी होता है, आप नेशनल चैनल पे बैठे अब इतना तो इसका मतलब आप फैजल खान है, ठीक है। आप चलिए आगे। फैजल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अभी रोजे का वक्त गुजरा है तो जाहिर बात है कि आपने रोजे भी रखे होंगे।